Very good morning, students. Welcome to Kanandan Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 1st, Chapter 6, Time, Part 2. Part 1 में बच्चों हमने टेक्सटबुक की एक्सरसाइज की थी. अभी मैं आपके लिए बहुत सारी क्रिएटिव वर्कशीट लेके आई हूँ, तो वो आपको सॉल्व करना है. ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट. वर्कशीट असाइनमेंट 1 में बच्चों, ये असाइनमेंट में हम देखेंगे डे एंड नाइट टाइम की एक्टिविटी. ड्रॉ अ सन फॉर द मॉर्निंग एक्टिविटी. मॉर्निंग एक्टिविटी के लिए आप क्या ड्रॉ करेंगे? सन एंड मून फॉर नाइट एक्टिविटी. यहाँ पे एक्टिविटीज दी हुई है बच्चों. इसमें जो मॉर्निंग की एक्टिविटी है वहाँ पे आप क्या करेंगे? सन ड्रॉ करेंगे. एंड नाइट की एक्टिविटी है वहां पे मून. नंबर दी एक्टिविटी इन अ सीक्वेंस, है ना. नंबर दी एक्टिविटी इन द सीक्वेंस, यानी मॉर्निंग से नाइट तक आप क्या करते हो उसका सीक्वेंस लिखना है. फर्स्ट क्या एक्टिविटी करते हो, सेकंड क्या एक्टिविटी करते हो, उसका नंबरिंग आपको करना है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट बच्चों, सेकेंड असाइनमेंट में हम क्या करेंगे? मेक अ क्लॉक. पहले क्या बनाएंगे? क्लॉक बना देंगे. तो ये जो वर्कशीट मैं आपको भेज रही हूँ ना, उसकी प्रिंट निकालनी है, फिर इसकी कटिंग करनी है, और जहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर लाइन है ना, वहाँ पे नंबर को, ये वाले नंबर को स्टिक करने के घड़ी बनाना है. जैसे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, है ना. तो ऐसे पूरी घड़ी बनानी है. फिर ये है हमारा बिग हैंड, ये है हमारा स्मॉल हैंड, है ना. तो ये सब कटिंग करके, पर बच्चों ये कटिंग करके आपको घड़ी बनानी है. फिर वो घड़ी से आपको खेल खेल के घड़ी का रिवीजन करना है, टाइम का, क्लॉक का, है ना. और ये जब कट कर रहे हो तो पेरेंट्स के साथ ही करना है, अकेले में ये काम नहीं करना है. अभी जैसे हमारी घड़ी बन जाती है तो हम दूसरी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे, है ना. घड़ी बना के बच्चों आपको, है ना, ये असाइनमेंट में जो क्लॉक दिखाई दे रही है ना, वो सब क्लॉक के हैंड्स मैच करने हैं. और घड़ी में कितने बजे है वो यहाँ पे राइट डाउन करना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है, तो मेरा बिग हैंड कहाँ पे है? 12 पे. एंड स्मॉल हैंड 4 पे है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 4 o'clock. और उस हिसाब से आपको बाकी के असाइनमेंट्स करनी है. ओके, बाकी के घड़ी के टाइम्स लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट, अभी इसमें आपको क्या करना है? मैच दी फॉलोइंग करना है, है ना. जैसे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2, 11 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 1 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 4 o'clock, 7 o'clock, 3 o'clock. तो बच्चों इसकी मैच द फॉलोइंग करनी है. आपको 2 o'clock कहाँ पे दिख रहा है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, उस हिसाब से आपको करना है. जैसे 2 o'clock है तो मुझे घड़ी में कहाँ पे दिख रहा है? यस, यहाँ पे मुझे 2 o'clock दिख रहा है. तो मैं लाइन ड्रॉ करूँगी. क्या करूँगी? ओनली फॉर लाइन. अगेन मूव नेक्स्ट. अभी बच्चों आपको क्या करना है? जो क्लॉक में टाइम दिख रहा है ना, व्हाट्स द टाइम इज शोन, क्या टाइम दिखा रहा है वो मार्क करना है. मार्क विद द एक्स क्रॉस करना है इन द बॉक्स विद द करेक्ट टाइम. अभी यहाँ पे बहुत सारे टाइम दिए हुए हैं, पर जो ये घड़ी का टाइम और यहाँ का टाइम जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे क्रॉस करना है. तो मेरा घड़ी में कितना बज रहा है? 9 o'clock. तो मैं 9 o'clock पे क्रॉस करूँगी बॉक्स में. ओके, तो उस हिसाब से आपको बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. नेक्स्ट, यस, अभी राइट द टाइम फॉर ईच क्लॉक. तो बच्चों क्लॉक यहाँ पे दी हुई है ना. क्लॉक में, घड़ी में कितने बजे है वो यहाँ पे दिखाया है. आपको सिर्फ ना टाइम लिखना है.
जैसे कि यहाँ पे घड़ी में कितने बजे हैं, 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, है ना। 2 o'clock बजे है इसलिए मैंने 2 लिखा। अगेन, अभी ये असाइनमेंट में आपको क्या करना है कि ड्रॉ अ क्लॉक हैंग्स ऑन द एनालॉग क्लॉक। अभी ये क्लॉक में आपको हैंग्स ड्रॉ करना है, यानी बिग हैंग एंड स्मॉल हैंग। जैसे घड़ी में यहाँ पे 11 o'clock दिखाई दिया है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बिग हैंड 12 पे दिखाया एंड स्मॉल हैंड मेरा 11 पे, तो दिस इज 11 o'clock। ओके, ये हमारी लास्ट असाइनमेंट है। ओके बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।